కాంగ్రెస్ సిద్ధాంతాలను ముందుకు తీసుకువెళ్ళడమే తన లక్ష్యం అన్నారు మల్లికార్జున్ ఖర్గే దీనికి అందరి సహకారం చాలా అవసరం అన్నాయన బీజేపీ ప్రజాస్వామ్యాన్ని అపహాస్యం చేస్తుందని కమలనాథులపై విమర్శలు గుప్పించారు मैं राहुल गांधी जी की आभार मानता हूं जिन्होंने इस बात को समझा और हर मुश्किल को दरकिनार करते हुए वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकल पड़े हैं वो लोगों से मिल रहे हैं उनसे सीधे संवाद कर रहे हैं उनके दुख और दर्द को सुनकर वो हर लोगों से मिल रहे हैं चाहे वो एनजीओ हो इंटेलेक्चुअल्स हो जर्नलिस्ट हो किसान हो मजदूर हो बच्चे हो सभी के साथ रास्ते पे मिलते हैं उनके पूछते हैं फिर जब इंटरवल होता है उस वक्त उनसे संवाद भी करते हैं ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे पार्टी के लिए है और यही बड़ी देन हमारे लिए है खासकर मेरे लिए है कन्याकुमारी से कश्मीर की इस भारत जोड़े यात्रा में हर रोज लाखों लोग जुड़ रहे हैं देश में एक नई ऊर्जा पैदा हो रही है इस ऊर्जा को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में ये मेरा दायित्व है इस मैं नीचे से काम करते हुए आया हूं एक प्राइमरी मेंबर्स ब्लॉक कांग्रेस कमेटी काम करते करते इस पार्टी को जुड़ा हूं और आपके बीच इस पद पर आकर आज पहुंचा हूं मैंने खुद हर वर्ष मुश्किल का सामना किया जिसका सामना आम कार्यकर्ता और पार्टी के नेता करते हैं पार्टी में काम करते हुए जो चुनौतियां आती हैं जो उतार चढ़ाव आते हैं जो आशा और निराशा से आप गुजरते हैं मैं उनसे वाकिफ हूं इसीलिए मैं विश्वास के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि हम साथ मिलकर हर चुनौती का सामना करेंगे आइए हम कांग्रेस की उस विचारधारा को लोगों में लेकर चले जिसे राहुल जी ने अपने कार्यकाल में एक नई धार दी है हम जानते हैं कि इस देश में करोड़ों युवा जो भारत को धर्म जाति जेंडर के बंटवारे से ऊपर देखना चाहते हैं जो भारत में शांति चाहते हैं रोजगार चाहते हैं विकास चाहते हैं वैज्ञानिक सोच चाहते हैं लोकतंत्र चाहते हैं ये युवा ही देश की और कांग्रेस की उम्मीद है उदयपुर नवसंकल्प शिविर में हमने तय किया था कि युवाओं को पार्टी में आगे बढ़ाया जाएगा संगठन में 50% पद 50 साल से कम उम्र के लोगों के लिए रिजर्व रहेगी युवाओं की इस उम्मीद को पूरा किया जाएगा आप सभी के कोऑपरेशन से साथ ही उदयपुर में हमने तय किया था कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सशक्त किया जाएगा ब्लॉक जिला राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सभी ऑर्गेनाइजेशनल वैकेंसीज भर दी जाएगी ये होके रहेगा उदयपुर डिक्लेरेशन में पार्टी के निर्णय जो लिया है कि उस चुनाव के तैयारियों के लिए भी पब्लिक इनसाइट डिपार्टमेंट और AICC इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे ये आज के समय की एक बड़ी जरूरत है इसीलिए इन्हें हम तुरंत स्थापित करेंगे सभी राज्यों में जल्दी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बनेगी कांग्रेस प्रेसिडेंट की मदद से सोशल जस्टिस एडवाइजरी कमेटी और SC ST OBC वर्गों के लिए लीडरशिप मिशन भी हमें कुछ ही दिनों में बनाना होगा हमें